दोस्तों पता चल चुका है आपको, बिट्टू आतंकी बजरंगी गिरफ्तार हो गया और उसको गिरफ्तार जैसे किया गया उसका दर्द हिंदू संगठनों के सीने पर ज्यादा है। मेरे दोस्तों जो भी बिट्टू बजरंगी का सोशल मीडिया पर सपोर्ट करता हुआ और जो दल सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासन इस बात पर नजर रख रहा है कि इसका उनसे क्या ताल्लुक है। लेकिन आपको पहले उसकी फुटेज दिखाना चाहूंगा। ये आज की तारीख में लाइव एग्जाम्पल है धोबी का कुत्ता होना, यानी धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। ये देखिए किस तरह से इसके घर से पुलिस इसकी गर्दन पकड़कर पीछे से घसीट कर ले गई है इस फुटबॉल को। ये सीसीटीवी फुटेज आपने देख लिया। आपको बता दूं कि इसका हाल धोबी के कुत्ते जैसे क्यों हो गई है। अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का ये व्यक्ति बताता था, हिंदू नेता बनता था और अभी इस सुरेश चक्रवाणे ने अपने शो के अंदर तमाम ऐसे आतंकियों को इनाम बांटा जिसमें इस बिट्टू बजरंगी को इस सुरेश चक्रवाणे ने अवार्ड दिया। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। ये देखिए सुदर्शन राष्ट्र निर्माण सम्मान श्री राजकुमार जी, जिन्हें प्रेम से आप सभी बिट्टू बजरंगी जी के नाम से जानते हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जी हाँ, अब ये बिट्टू बजरंगी जब गिरफ्तार हुआ तो बहुत सारे संघियों को पेट में दर्द हुआ। अब मेरे दोस्तों गिरफ्तारी की खबर ये देखिए, पुष्टि की है पुलिस ने। ये बीच में आप देख सकते हैं बिट्टू बजरंगी आपको नजर आ रहा है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि हाँ हमने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद अगली तस्वीर ये देखिए, बिट्टू बजरंगी को किस तरह से कोर्ट में पेश किया गया है। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के लिए पूरे भारतवासियों को, खासकर हरियाणा पुलिस को शुक्रिया कहना चाहिए। अब आइए, खासकर मैं अपने हिंदू भाइयों को संबोधित करना चाहूँगा। विश्व हिंदू परिषद, जिसका अपने आप को एक कार्यकर्ता आतंकवादी बिट्टू बजरंगी बताता था, उस विश्व हिंदू परिषद ने आधिकारिक तौर पर ये ट्वीट किया, ये बिल्कुल ऐसा है धोबी का कुत्ता, पूरी तरह से अपनी औलाद को मानने से इनकार कर दिया विश्व हिंदू परिषद ने। विश्व हिंदू परिषद ने ऑफिशियल ट्वीट पर लिखा कि राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा, कभी कोई, समझ रहे हैं? उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती, पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया उसे। अब यहाँ आपको बता दूं कि ना वो बिट्टू बजरंगी बजरंग दल का सदस्य बताया जा रहा है, ना विश्व हिंदू परिषद उससे मतलब वास्ता रख रहा है। हालांकि सभी को पता है कि इन तमाम संगठनों से जुड़ा हुआ था बिट्टू बजरंगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अपने हिंदू भाइयों को यही कहूँगा कि देखो, जो नेता हैं, अभिनेता हैं, इनकी औलाद, जो हिंदू धर्म वाले हैं, इनकी औलादें विदेश में जाकर पढ़ती हैं, समझो, और आप और आपकी औलाद दंगों में फंस जाती हैं। धार्मिक चोला पहन के आपको भड़का दिया जाता है और आपकी ज़िंदगी बर्बाद। विश्व हिंदू परिषद के एक ट्वीट से एक इंसान धोबी का कुत्ता बन गया। अब वक्त है आपको ये बताने का कि विश्व हिंदू परिषद कितना झूठा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये देखिए, बजरंग आतंकी ने जो 31 जुलाई 2023 सोमवार को जो एक दिवसीय यात्रा निकाली थी, उसका पोस्टर आधिकारिक रूप से जारी किया था, जिसमें आप देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हरियाणा का नाम है। अब आप समझिए, मेवात में जो धार्मिक यात्रा की गई उसके ऑफिशियल पोस्टर को बिट्टू बजरंगी ने ही पोस्ट किया था, चारों तरफ शेयर किया था। लेकिन आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग कह रहा है भाई ये हमारा बच्चा नहीं है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो तस्वीर दिखाने वाला हूँ इसके बाद आरएसएस
जी हाँ, वो भी एक बयान जारी करके बिट्टू बजरंगी को अपना नाजायज बच्चा करार कर देगी। ये देखिए दोस्तों, ये आरएसएस के ड्रेस में, चड्डी में, आप इनको देखिए, बिट्टू बजरंगी है। आइए, ये दो तस्वीर दिखा चुका हूँ, अब ये खास तस्वीर देखिए। भारतीय जनता पार्टी से भी इस बिट्टू बजरंगी का गहरा कनेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी बिट्टू बजरंगी समाज सेवी, वार्ड नंबर 7, भावी उम्मीदवार, आप समझिए। तो अब आरएसएस के बाद भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्द ये बयान देगी कि बिट्टू बजरंगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहां आपको बताना जरूरी है कि पुलिस ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने रखी है वो आपको समझा देगी कि ये आतंकवादी कितना खतरनाक था और इससे जुड़े हुए कितने बड़े बड़े लोग हो सकते हैं। जांच में पाया गया है कि जिस दिन नूह में दंगा हुआ उस दिन बिट्टू बजरंगी पुलिस की गाड़ी के अंदर हथियार, राइफल, तलवार, त्रिशूल, तमंचा, ये तमाम चीज़ें लेकर आया था। तो पुलिस प्रशासन भी मिली हुई थी। पुलिस की गाड़ी इसको कहाँ से मिली, कौन है पुलिस वाला, वो कौन सा अधिकारी है जो इससे मिला हुआ था, अभी ये सब जांच का विषय है और इसकी जांच गहनता से की जा रही है। इसी वजह से तमाम जो हिंदू संगठन हैं उनको पता है कि उन्होंने क्या काम करवाया और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग कुछ नाम, कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अब वो जब बुरी तरह से फंसे, वो बिट्टू बजरंगी और ऐसे लोग, तो तमाम संगठनों ने हाथ पीछे कर लिया है। हालांकि पूरी ताकत से अंदर ही अंदर बचाने की कोशिश उसे की जा रही है। और आपको बता दूं, प्रशासन ने शुरुआती दौर में बताया है कि ये धाराएं इस पर लगी हैं। आपके सामने ये डिटेल रख रहा हूं, आईपीसी 148, 149, 332, 353 धारा, 186, 395, 397, 506, आर्म्स एक्ट 25। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू बजरंगी से इसी वजह से रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि नू पुलिस ने बिट्टू बजरंगी पर डकैती की भी धारा लगा दी है। दोस्तों, इस मामले में एएसपी उषा कुंडू ने दर्ज करवाई थी एफआईआर और बिट्टू बजरंगी का, बिट्टू और बजरंगी अलग हो गया है। अब दोस्तों, इतना खतरनाक कांड करने वाला, दहशतगर्दी मचाने वाला, खतरनाक प्लानिंग करके एक जिले को पूरी तरह से आग में झोंक देने वाला, जिससे अब तमाम संगठन पीछे हट रहे हैं, जांच इसकी भी होनी चाहिए कि इसका भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है, कहां कहां तक तार जुड़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सवाल है, ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये एक सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के उस नेता जिसके एक स्पीच की वजह से दिल्ली में दंगा हो गया, उन कपिल मिश्रा के साथ बिट्टू बजरंगी का क्या रिश्ता है, गुरु चेले का या चेले गुरु का, इसमें गुरु कौन है। बिट्टू बजरंगी हेट स्पीच और आतंक और दंगा भड़काने का बिट्टू बजरंगी मास्टर है या फिर कपिल मिश्रा जी, सवाल यही है। ये एक तस्वीर है, जो बंदा साथ में बिट्टू बजरंगी है कपिल मिश्रा के, वो गिरफ्तार है। सवाल वही बार बार करना चाहूँगा जो देश का गोदी मीडिया नहीं कर सकता, कि कपिल मिश्रा से इनका क्या रिश्ता है, प्रशासन को, शासन को इसकी भी जांच जरूर करनी चाहिए। इस बिट्टू बजरंगी का एक मामला दिखाने वाला हूं जो 2020 का वीडियो है। बिट्टू बजरंगी 2020 में सरकार से क्या कहता है। महाराष्ट्र सरकार, तुमने उसका घर तोड़ दिया, मेरा नंद तोड़ के दिखाओ, आ जाओ। माफ कीजिएगा, ये सब मुझे खुलकर बताना और दिखाना पड़ रहा है क्योंकि वो ये सब खुलकर सोशल मीडिया पर कर रहे थे। अब ये तो इन्होंने सरकार से कहा 2020 में, अब 2023 में सरकार ने उनके साथ क्या करना है। दोस्तों, पूरे भारत में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे मुंबई तक अब ये नफरत पहुंच चुकी है जो कल तक मुंबई में नफरत नहीं थी। अब मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बहानों बहानों से शुरू हो चुकी है।
पढ़ा लिखा इंसान भी अब हैवान बन चुका है, ज़ॉम्बीज का हिस्सा बन चुका है। मुंबई के एक रेलवे स्टेशन का मामला सामने आया है, वो भी सामने इसलिए आया है क्योंकि वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो अगर वायरल ना होता तो मॉब लिंचिंग करके कितनों को मारा गया है न ये सामने आता, न इनका ये कांड सामने आता। पढ़ा लिखा मुंबई का समाज एक मुसलमान लड़के को इसलिए बुरी तरह से पीट देता है क्योंकि वो अपनी एक हिंदू दोस्त के साथ था, न कोई लव एंगल था न कोई और। लेकिन इन लपरझंटस को, जिनको कुत्ता भी घास नहीं डालता, इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत नाम की कोई, प्यार नाम की चीज़ नहीं, लड़की नाम की चीज़ नहीं, तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन मुसलमानों पर निकाल देते हैं कि हमारे धर्म वाली हमको देख नहीं रही है, इनको क्यों देख रही है, जबकि उनका कोई और रिश्ता, कोई और गलत संबंध नहीं था। अब जो आप वीडियो देखेंगे उसमें नारों पर ध्यान दीजिएगा, किस तरह से आतंकी नारे लगाए जा रहे हैं, बल्कि कहने वाला ये कह रहा है मार दो साले को, मतलब जान से मारने की बात की जा रही है। एक एक इंसान का चेहरा पहचानिए, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर। बहरहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और इन्हीं के बयान के बाद बताया ये जा रहा है कि अब जाकर 5 अनजान व्यक्तियों के ऊपर FIR दर्ज है। लेकिन तमाम तस्वीरें सामने रखने के बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि तस्वीरों में इंसान नज़र आ रहे हैं, शख्स नज़र आ रहे हैं। प्रशासन चाहे तो इनका पोस्टर जारी करके, वीडियो पहले से ही जारी हो चुका है, चारों तरफ वायरल है, इनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन मुसलमान को न मारा है इसलिए पुलिस भी सीरियस नहीं होगी। हकीकत यही है, सरकार हो, प्रशासन हो, जो कुछ भी हमारे यहाँ सिस्टम है, उन तमाम सिस्टम का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो याद होगी जो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई, मुसलमानों के बायकॉट की बात की गई। जलालाबाद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का ये वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो हिंदुत्व आवाज ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया, वीडियो वायरल हुआ, लाखों करोड़ों लोगों तक ये वीडियो पहुंच गया। अब बजाय इस इंसान को गिरफ्तार करने के, आपकी स्क्रीन पर ये हिंदुत्व का ट्वीट दिखा रहा हूँ। जी हाँ, सरकार ने आधिकारिक तौर पर बजाय इस आतंकी को गिरफ्तार करने के, हिंदुत्व वाले जो पेज हैं उनको ही रिपोर्ट कर दिया और ट्विटर से कहा है कि इसका वीडियो हटा दिया जाए। बजाय आतंकी को गिरफ्तार करने के, ट्विटर से कहा गया है मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा, कि इसको, इस ट्वीट को डिलीट कर दो, और कंप्लेंट करी गई है, मतलब लीगल। फिर वो ये मेल गई है हिंदुत्व वाच को, जिस मेल में ट्विटर ने बताया है कि भाई मोदी जी ने आपकी, मतलब सरकार ने, मोदी सरकार ने आपकी शिकायत की है और लीगल डिमांड के ऊपर आपका ये वीडियो हटाया जा रहा है। तो समझ रहे हैं आपके साथ क्या किया जा रहा है, ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ ये हो रहा है। मारेंगे भी हमें और हमें बोलने भी नहीं दिया जाएगा। हकीकत यह है कि ऑनलाइन जो नफरत फैल रही है, मॉब लिंचिंग जो हो रही है, सरकार का इनको मौन समर्थन है। मेरे दोस्तों, मोदी और योगी के चाहने वाले, अमित शाह जी के चाहने वाले, भाजपा के चाहने वाले कितने गंदे लेवल के होते हैं आप सोच नहीं सकते। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए जिसमें DY चंद्रचूड़ जो है नमस्ते कर रहे हैं अमित शाह को, और अमित शाह देख नहीं रहे उनकी तरफ। और खाली आप इसका टाइटल पढ़िए, भाजपाइयों का टाइटल पढ़िए, कैप्शन दिस। आप अगर देखेंगे यहाँ, देखिए क्या लिखा है चाचा मोंक नाम के अकाउंट ने, यहाँ हाथ जोड़ लेता हूँ न्यूट्रल लगने के लिए, बाद में प्रो लिब्रांडू वर्डिक्स भी तो देने हैं। दूसरा कहता है यो फनी सिंह, भारतीय न्याय संहिता ताने मारे जा रहे हैं, हम भारत के लोग। लिखता है आई मे कॉमेंट वट एवर बट ऑन ब्रास टैक्स आई हैव डिलीवर्ड द वर्डिक्स। आप समझ रहे हो,
हर जगह से डीवाई चंचूड़ को ताना मारा गया। ये देखिए प्रभाकर के आर मिश्रा है, ये जो है पत्रकार है, कसम से कौन सा पत्रकार है, कैसा पत्रकार है आप समझ लीजिए। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ बहुत ही संस्कारी व्यक्ति हैं, इसने ये ताना मारा है, कभी आप हल्के में लेके जा रहे हो, नहीं ये तारीफ नहीं, ये ताना मार रहा है। एक वीडियो के स्क्रीनशॉट को लेकर इन तमाम चीज़ों को बोला गया। अब आपकी स्क्रीन पर ओरिजिनल वीडियो है। डीवाई चंद्रचूड़ को उल्टा उठकर अमित शाह ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया है और हाथ मिलाया है। पीछे उनकी पत्नी को भी डीवाई चंद्रचूड़ ने नमस्ते किया, और उस दौरान जब वो उनकी पत्नी को नमस्ते कर रहे थे तो ये घूम चुके थे अमित शाह जी। तो ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर चारों तरफ ये चला दिया गया कि डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं ऐसे झुककर सलाम कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे अमित शाह जी को, और अमित शाह ने ध्यान दिया, और ऊपर से अमित शाह के सामने बहुत नरम है डीवाई चंद्रचूड़, मतलब कुछ भी ये करते हैं। ये संघी खास नारा लगाने वाले, खास रंग के कपड़े पहनने वाले और एक खास पार्टी के मानने वाले, ये अलग लेवल के झूठे हैं, अलग लेवल। उधर दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ कब से षड्यंत्र चल रहा है और आज के टाइम कितना बड़ा षड्यंत्र हो चुका है ये कि खुल्लम खुल्ला मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जा रहा है। जब कश्मीर के मुसलमान ये बात कहते थे तो हम नहीं मानते थे। कश्मीर के मुसलमान कहते थे कि ये इंडियन आर्मी के लोग हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, रेप कर देते हैं, हम नहीं मानते थे। कश्मीर के मुसलमान कहते थे कि ये हमें बेगुनाह जेल में डालते हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं, कुछ आवाज़ उठा तो गिरफ्तार कर लेते हैं। पूरे भारत के मुसलमान खामोश रहे। आज एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, इंडियन आर्मी में जब भर्ती निकली तो हिंदूवादी लौंडे, हिंदू समुदाय के लौंडे जब भर्ती के लिए जा रहे थे तो एक्साइटमेंट में जिस वजह से वो इंडियन आर्मी में जा रहे थे वो वजह एक्सेप्ट करी उन्होंने। कश्मीर के मुसलमानों के कत्लेआम के लिए इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे हैं हिंदू लोग, और हिंदू समुदाय के लोग जब आर्मी में भर्ती होते हैं और उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होती है तो स्पेशली वो मुसलमानों को परेशान करते हैं, उनको मारते हैं, उनकी बच्चियों का बलात्कार करते हैं। ये तमाम चीज़ें सबूत के साथ पेश करूँगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप एक एक जुमला सुनिएगा। वीडियो कब का है नहीं पता, लेकिन एक मानसिकता, एक सोच आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अल्लाह अकबर। दोस्तों अब बताइए क्या रह गया। तमाम भारतवासियों को क्लियर हो चुका है कि आर्मी के अंदर, सेना के अंदर, प्रशासन के अंदर ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। लाइव एग्जाम्पल है वो रेलवे सुरक्षा कर्मी का जवान हिंदू आतंकवादी चेतन सिंह मुसलमानों को गोली मार देता और कहता है कि अगर ट्रेन नहीं रुकती तो मैं अभी 8-10 को और मारता। मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी के चाहने वालों ने, भाजपाइयों ने, हिंदुत्व के आतंकवादी संगठनों ने, तमाम आतंकियों ने सोशल मीडिया पर उसका बचाव किया और गोदी मीडिया ने उसको मानसिक रूप से बीमार बताकर लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की और लोगों को उसके साथ खड़े होने के लिए रास्ता दिया। लेकिन आज जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली है। खबर अब ये सामने आई है कि उसने मुसलमानों को चुन चुन कर गोलियां तो मारी AK-47 से, साथ ही उस आतंकवादी ने, चेतन सिंह आतंकवादी ने, एक बुरखा पहनी हुई महिला के सर पर बंदूक सटाकर भारत माता की जय नारे लगवाए थे। जी हाँ ये रिपोर्ट देखिए, कोई भी बात रजाग्राफी बिना सबूत बिना सोर्स के नहीं बोलेगा। BBC के अलावा कई जगह रिपोर्ट आ चुकी हैं, और आपको बता दूं कि अभी तो मामला पूरा नहीं खुला, पूरा खुलेगा तो इसका तार कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, RSS और हिंदूवादी संगठनों से जुड़ा हुआ इसका तार मिलेगा। जांच में ये पाया गया है कि ये किसी रैली में तो नहीं जाता, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन में गोदी मीडिया के तमाम चैनल्स देखता है और मोदी जी के प्रवक्ताओं को सुनता है।
ये जो एंकर अपने आप कहते हैं ये मोदी जी के प्रवक्ता हैं, उनको सुन सुन कर ये ऐसा हो गया है। कई खुलासे बाकी हैं, पता नहीं किस किस मुसलमान लड़की के साथ इसने क्या किया होगा। बंदूक की नोक पर जो भारत माता की जय बुलवा रहा है, उसी बंदूक का गलत इस्तेमाल करके उसने मुस्लिम लड़कियों के साथ क्या क्या किया होगा, ये भी एक जांच का विषय है। हालात इतने खराब हैं कि कब कौन आपको कत्ल कर दे, कब कौन मुसलमान को गोली मार दे, आपके बगल में चलने वाला इंसान कब आपको आतंकवादी बोल दे, मॉब लिंचिंग कर दे, सोच नहीं सकते। फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई दफ्तर हो, सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट, हॉस्पिटल हो या कोई कार पार्किंग, रेलवे स्टेशन हो या मेट्रो स्टेशन, हर जगह आम जनता के बीच बहुसंख्यक समाज से ज़ॉम्बीज निकलकर सामने आ रहे हैं जो मुसलमानों से ही नफरत करने में मस्त हैं। मुसलमानों को डरा हुआ फिल्म देख के खुश हो जाते हैं। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग फिर ये लोग करते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग सिर्फ इन हिंदू समाज में, सिर्फ महिलाएं नहीं, सिर्फ मर्द नहीं, इस हिंदू हमारे समाज में महिलाएं भी हैं। अफसोस की बात, ये वही हिंदू हैं जो कल तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते थे। 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार ने और खुद प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी ने इतनी नफरत फैलाई है कि ये ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। गदर 2 फिल्म देखकर बाहर निकली हुई एक हैवान महिला ने, एक लड़की ने, उस फिल्म का कंक्लूजन जो बताया है वो ये कि मोहम्मदन के मुंह पे जो डर देखा ना, वो देख के मजा आ गया। ये देख, ये है मोहम्मदन का चेहरा। तुम डर जाते हो जरा सी बात पे, तुम इतने डरपोक हो, कितने पहले वो बात बताऊंगा, कितने डरपोक हो वो बात बताऊंगा, पहले ये देखो। क्या लगा फिल्म में सबसे अच्छा? बहुत मस्त एंट्री, देखते ही माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, आप देखोगे बोलोगे, दिख रहा है पूरा जज्बा दिख रहा है, और मोमडनों के चेहरे पे जो डर दिख रहा है वो कमाल का। कैसे हाँ, ये हो गया है हाल इस देश का। मोहम्मदन के चेहरे पर डर देख के मजा आया। अबे लवड़ासुर, वो तो डर दिखाया गया। ये देख मुसलमान का चेहरा, रात को ख्वाब में आऊंगा मैं, दहल जाओगी तुम। तुम डराओगी मुसलमानों को? हाँ बात सही है, मुसलमान डर रहे हैं तुम्हारे जुल्म से, मुसलमान डर रहे हैं तुम्हारे आतंक से, मुसलमान डर रहे हैं तुम्हारे बलात्कार की घटनाओं से, तुम्हारे भाई बाप महिलाओं का जो बलात्कार कर रहे हैं उससे डर रहे हैं। गरीब मुसलमानों का तुम्हारा झुंड आकर कत्ल कर देता है, मुसलमान उससे डर रहे हैं। वरना तुम जो चाहते हो, मुसलमान अगर एक्चुअल में डरता वो बहुत पहले हो जाता, वो बहुत पहले हो जाता। और सुनो, ये जो तुम नफरत की सवारी कर रही हो बहन, इस नाव में छेद है, ये नाव हमेशा चलेगी ही नफरत की, और जिस नफरत से तुम आगे बढ़ रही हो वो रास्ता तुम्हें प्रभु श्री राम की तरफ नहीं बल्कि नरक की तरफ और रावण से भी गंदे हालात की तरफ लेके जाएगा, ये याद रखना। डरपोक तुम हो या हम, ये फैसला जनता पे छोड़ो। अरे एक वो कौम, एक वो भीड़ जो मस्जिद के सामने जाकर ऐसे हो जाती है, जिनके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है मस्जिद देखकर, अय हय हय हय, समझ के देखो कि वो डरपोक हैं या मुसलमान डरपोक हैं। मुसलमानों की खाली मस्जिद, पूरी खाली मस्जिद देखकर, उस वक्त नमाज का टाइम नहीं है और तुम्हारी रैली निकल रही है, मस्जिद खाली मस्जिद को देखकर तुम्हारा झुंड का झुंड पागल हो जाता है, तो डरपोक कौन है? खास मजहब वाले किसी एक अकेले मुसलमान को ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ता देखकर अपने परमात्मा, अपने भगवान को याद करने लगते हैं, तो डरपोक कौन है? किसी मुसलमान को कोने में सड़क के किनारे अगर नमाज पढ़ता देख ले तो जिसकी भावनाएं आहत हो जाती है तुरंत और चड्डी में गू निकल जाता है देखते ही, तो डरपोक कौन है? वो अकेला नमाज पढ़ने वाला या ये सूरों का झुंड? पानीपत, हरियाणा, 15 अगस्त के दिन भी हिंदुत्व के आतंकवादियों ने रैली निकाली, मस्जिद के आगे जाकर खूब गंदगी मचाने की कोशिश करी। ये तस्वीर देखिए, 2 तस्वीर है, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है वैसे ही मैंने आपको उठाकर दिखा दी है।
आप देखिए बाइक रैली निकाली है, भारत का झंडा लिया हुआ है और साथ में आतंकी झंडा भी है आपको नज़र आ रहा है। और पानीपत हरियाणा का ये वीडियो है, मस्जिद के आगे जाकर ज़बरदस्ती, पहली बात तो भारत की आज़ादी का जश्न मनाते हुए ये भगवा झंडे की मतलब ज़रूरत क्या थी और इसका क्या रोल था, पहली बात। दूसरी बात, मस्जिद के आगे ये जाकर झंडे लेकर 15 अगस्त के दिन भी दंगे के हालात बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में 15 अगस्त के दिन आण भक्तों ने सोचा भी नहीं था कि मुसलमान लोग भी रैली निकाल सकते हैं, तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं। तो तिरंगा यात्रा मुसलमान कम्युनिटी निकाल रही थी और उधर से आतंकी बजरंग दल के लोग आ गए अपना झंडा लेके, भगवा झंडा लेके, मुसलमानों के हाथ में तिरंगा और उनके हाथ में भगवा झंडा और फिर तिरंगा। अब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मुसलमान रैली निकाल लें यार, वो भी यार भारत माता की जय बोल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, अब क्या करा जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनके लोग मुसलमानों की रैली में घुसे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जय श्री राम के नारे का क्या मतलब भारत की आज़ादी वाले प्रोग्राम में लगाने की, लेकिन ये इसे कहते हैं उठरा खोजना, माहौल ख़राब करने की ज़बरदस्ती कोशिश करना। अब उन्होंने ज़बरदस्ती नारेबाजी की, टकराव हुआ, भिड़ंत हुई, दोनों तरफ से ही टकराव हो गया। इसके बाद बजरंग दल के आतंकियों ने पूरे इलाके में तोड़फोड़ करी और तो और तस्वीरें सामने आने के बाद जो मध्य प्रदेश का पुलिस प्रशासन है वो सफाई देता हुआ नजर आ रहा है बजरंग दल की तरफ से, यानी कोई कांड ही नहीं हुआ है। तमाम मंजर आपके सामने। परंतु उसमें कोई अभी FIR नहीं हुआ। उसमें ये हुआ है कि जब भी ये वीडियो फुटेज और कुछ देखे जाएंगे उसके बाद निर्णय लिया जाए, तो सारे लोग अभी समझ के चले गए। तो किसी प्रकार का अभी कुछ FIR वगैरह नहीं हुई, अभी कोई FIR नहीं की गई। सर किस दौर लोग शिकायत दर्ज कराने आए थे या नहीं आए? हाँ सभी आए थे, पर वो अल्टीमेटली समझ गए, कुछ उनको ये था कि गलत फहमियाँ थी जो है समझ के। सर किस बात को लेकर विवाद हुआ? मोटरसाइकिलें गिरने के बाद पे, एक्सीडेंट की बात पे। क्या तिरंगा यात्रा निकल रही थी सर? हाँ तिरंगा यात्रा। सर देखा गया था कि सब सुनने में आया था कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कुछ एहतियात नहीं बरती गई थी, जैसे यात्रा दोनों तरफ से आ रही थी, उनकी अलग से समीक्षा की जाएगी यदि सुरक्षा व्यवस्था में कोई। सर कुछ ऐसी बात भी सुनने में आ रही है कि जय श्री राम के नारे को लेकर ये विवाद हुआ? इस तरह की अभी कोई बात नहीं आई, उसको बाद में देखा जाएगा पूरे वीडियो फुटेज और देखने के बाद। तो सर पर अनुमति ली होगी तो क्या दोनों पार्टियों को एक ही समय पर अनुमति दी गई थी क्या? नहीं इस तरह की कोई बात नहीं। तो सर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही। इसी तरह से जयपुर में भी हिंदुत्व के आतंकवादियों ने, बजरंग दल के गुंडों ने 15 अगस्त के दिन भी माहौल खराब करने की कोशिश करी और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरह से अंग्रेजों की नाजायज औलाद, जिनकी अम्मा अंग्रेजों के यहाँ पोछा लगाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, और अंग्रेज का जब मन करता था अंग्रेजों का तो बिस्तर पे ले आया करते थे, उनकी जो नस्ल निकली है, DNA चेक कर लीजिएगा, उनकी जो नस्ल निकली गंदी नाजायज, उन्हीं की औलादों ने एक बार फिर से 15 अगस्त को माहौल, क्योंकि हिंदू मुसलमान
जो किया गया भारत में, सबसे पहले अंग्रेजों ने किया, फूट डालो राज करो। तो अपने नाजायज बाप के ही कदम को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त के दिन झारखंड में इसी भीड़ ने फिर से मुसलमानों के इलाके में जाकर, जहां पर मुसलमान आबादी ज़्यादा है, मस्जिद के आगे जाकर ज़बरदस्ती आपत्तिजनक नारे लगाए और मुसलमानों को गालियां बकी। कार्रवाई पुलिस वाले इन पर करेंगे नहीं, तो मैं आपको तो कम से कम दिखाऊँ। जय श्री राम। क्या बात मोटा फोटो जी, देखा दोस्तों, देशभक्ति की बात हो रही है तो ये देखिए, भाजपा के उप मुख्यमंत्री के हाथ में तिरंगा झंडा देखिए जो कि उल्टा लहरा रहे हैं। ये मुसलमानों को देशभक्ति सिखाते हैं, उल्टा पुल्टा करते करते ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री भारत का झंडा ही उल्टा लहरा रहे हैं। ये हमें सिखाएंगे और भारतीयों को सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या होती है, बताइए। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, असम के बीजेपी अध्यक्ष माबेश कालिता ने गुवाहाटी में उल्टा झंडा फहराया है, खुद देखिए प्रशासन के सामने। खबर यह है कि अब इनके ऊपर FIR हो गई है। इसके अलावा एक ज़रूरी सूचना मैं बताना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं कि बजरंग दल का आतंकी संगठन खतरनाक मेवात में दंगा करने की साजिश रच चुका है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये हो सकता है मेवात का नाम ले रहे हो, दंगा ये दिल्ली और गुड़गांव में भी कर सकते हैं। आपके सामने बजरंग दल आतंकी संगठन का ग्रुप का आपको टेलीग्राम का चैट शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दो थ्रेड आपके सामने लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे में जो राइट साइड आप देख रहे हैं उसमें आप जो रेड मार्क हुआ मैसेज है उसको पढ़ लीजिए। सचिन कुमार कहता है कि और हाँ, मेवात का बदला ज़रूर लिया जाएगा, गुरुग्राम में नहीं मेवात में ही 28 को। मतलब ये पूरे तैयारी के साथ, हथियारों के साथ तो पहले भी गए थे, लेकिन अब हो सकता है कि हर व्यक्ति AK-47 लेके पहुँचे या किसी और तरह से मेवात को आग के हवाले किया जाए। मेवात में बड़े दंगे की तैयारी है, बजरंग दल के तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें ये बातें चल रही हैं। गद्दार जिनके माँ बाप, जिनका पूरा ख़ानदान अंग्रेज़ों से, समझ रहे हैं, अंग्रेज़ों की नस्ल से चल रहा था, वो भारत में अब मुसलमानों को देशभक्ति सिखाते हैं। आइए ऐसे ही इस व्यक्ति को सुनिए, अपना परिचय खुद देगा और अपनी गंदी सोच भी बताएगा। अब आप बताइएगा इसकी बात सुनने के बाद कि ये देशभक्त है। अखिल भारत हिंदू महासभा 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इसका सेलिब्रेशन नहीं करती है, क्योंकि हिंदू महासभा का मानना है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ था, हमारी भारत माता के टुकड़े हुए थे। हिंदू महासभा का मानना था कि संविधान के अंदर अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना होनी चाहिए, सनातन संस्कृति का उसके अंदर मिश्रण होना चाहिए, जो उसमें रखा नहीं गया है, इसलिए हम 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो इसका सेलिब्रेशन हिंदू महासभा नहीं मनाते। उधर दोस्तों, सालों के बाद बुड्ढे की फिल्म हिट हो गई, गदर 2 एग्जाम्पल हिट हो गई, मैं मानता हूँ चलो हिट हो गई है, तो भाई साहब जमीन पे पैर नहीं पड़ रहे सनी देओल के। ऐसे में सोचिए शाहरुख खान के कितने फैन हैं, अक्षय कुमार के कितने फैन हैं, सलमान खान के कितने फैन हैं, एक से बढ़कर एक हीरो है, लेकिन ऑडियंस के साथ, आम जनता के साथ बदतमीजी नहीं की जाती। लेकिन सनी देओल को एक आम इंसान अगर छूने की कोशिश करता है तो क्या गुरूर, क्या घमंड और कितनी बेगैरती है इस इंसान में, देखिए। लेकिन लोग चुप रहेंगे क्योंकि ये हिंदू हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ डायलॉग है इनकी फिल्म में, तो ज़ॉम्बीज इनके साथ होगी। ए टच मत करो, टच मत कर बाजी, सुपर हिट सुपर हिट। ए गाड़ी ओचे किसे को देखे जा, ओचे हमारे आ जा, ये मेरे आलो वापस मांगो बेटा। दोस्तों इतना ही नहीं, अब इसकी एक और वीडियो दिखाता हूं, कितना चीख के ये पागल हो गया।
ये इंसान पूरी तरह से अकल से पैदल हो चुका है। अब इसकी सालों बाद, दसियों साल बाद कोई फिल्म हिट हुई है तो सूखा नशा इसके सर पर चढ़कर बोल रहा है। देखिए बेगैरती। उधर दोस्तों, उड़ता फ्लाइंग किस पकड़ने वाली, झूठों की रानी के लिए उनके नेता की एक चीज उनकी भी पकड़ के दिखाइए। किला की बात, बाइबल सुमाता खाई दी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बीबीसी ने भी उनको झूठा साबित कर दिया है। उन्होंने जो अपने छोड़ने वाले प्रोग्राम में दरभंगा में एम्स की बात कही थी, उसकी पोल खुद बीबीसी ने खोल दी है। झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। लेकिन दोस्तों ये देखिए, दरभंगा में आम लोगों से बात करी है और उस जगह को दिखा दिया है कि जिस जगह पर मोदी जी ने बताया है कि यहाँ एम्स बन गया है, वहाँ पर खाली जमीन और जमीन में पानी भरा हुआ दिखाकर मोदी जी को पूरी दुनिया में इस बीबीसी ने अंतर्राष्ट्रीय झूठा साबित कर दिया है। अब मैं गुजारिश करूंगा मोदी जी से कि जल्द से जल्द बीबीसी को बैन करें। तू तो गया बेटे। या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर दरभंगा में इस जगह पर एम्स बनवाकर खड़ा कर दें। मेरे दोस्तों, हाल बेहाल है, ये पूरे भारत की सूरत हाल आपके सामने है। इस नेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।